स्पार्क 24x7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पेटीएम से एक आइटम मंगाया था, उसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। दोस्तों अब हमने जो पेटीएम से मंगाया था उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पेटीएम से मंगाया हुआ मटेरियल है, नीचे पेटीएम का लोगो भी आ रखा है। अब हम इसे अनबॉक्स कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास कोई इसको खोलने का मटेरियल नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही वहाँ से अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। पहले मैं आपको चारों ओर से दिखा देता हूँ, ये पूरी तरह से टेप से बंद हुआ है। अब हम इसे खोल लेते हैं दोस्तों। ये टेप को हटाने के बाद ये अनबॉक्सिंग काफ़ी अच्छी की हुई होती है दोस्तों। हाँ इसे अच्छी तरह से पहले खोल लेते हैं दोस्तों। बिल का ध्यान रखना होगा, बिल ना फट जाए। ये डबल प्लास्टिक लगाया हुआ है दोस्तों। दोस्तों अनबॉक्सिंग तो मटेरियल के हिसाब से कुल मिला के बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन देखते हैं इसमें निकलता क्या है दोस्तों। वैसे दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कभी भी कोई भी सामान मंगाओ तो उसकी वीडियो ज़रूर बना लिया करो, जिससे अगर मटेरियल सही आए तो ठीक है, नया अगर सही आए तो उसको हम चेंज तो करा सकते हैं, हमारे पास कुछ तो प्रूफ होगा इसके लिए। मैं अच्छी तरह अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ दोस्तों। वैसे दोस्तों रिटर्न तो हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, इसलिए आप वीडियो बनाना वैसे ही उचित होता है दोस्तों। इससे रिटर्न होने में काफ़ी सहायता मिलती है। दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा मैंने ऑनलाइन पेटीएम से क्या मंगाया था। ये मैंने शूज़ मंगाए थे। मैं पहले दोनों को निकाल लेता हूँ दोस्तों। हमने दोनों जूतों को निकाल लिया है दोस्तों। अब देखते हैं, पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं दोस्तों। ये तो डिटो वैसा ही आया जैसा दोस्तों हमने मंगवाया था, बिल्कुल वैसा ही आप देख सकते हो दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है दोस्तों, ये फैशन में ठीक है दोस्तों, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। ये कपड़े का बना हुआ है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों ये मैंने ब्लैक मंगवाया था दोस्तों, ये डिफरेंट कलर का आ गया है दोस्तों, शायद इसे रिटर्न करना होगा। पहले इसे देख लेते हैं दोस्तों, शायद ये रख सकते हैं हम। ये दोस्तों काफ़ी डिफरेंट आ गया है, अब देखते हैं क्या करते हैं दोस्तों। पहले चल दोस्तों इसे रिटर्न ही कराएंगे, साथ आपको भी पता चल जाएगा कि रिटर्न कैसे कराया जाता है। पहले मैं आपको दोनों शूज अब रख के दिखा देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको पहले मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी शूज़ दिखा देता हूँ कि कितना डिफरेंट है, और साथ में हमें पता चल जाएगा कि कौन से शूज़ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते दोस्तों इसकी लुक वैसे ठीक है, लेकिन मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसे रिटर्न नहीं कराऊंगा दोस्तों। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि पहले मैंने ये शूज़ ऑर्डर किए थे, आप देख सकते हो दोस्तों ब्लैक कलर में, लेकिन ये ब्लू कलर में आ गए हैं। और इसको जूम करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, मेरे को ये शूज़ काफ़ी अच्छे लगे थे, और इसी कलर के कारण मैंने इसे ऑर्डर किया था, लेकिन ये कलर ही डिफरेंट आ गया है, इसलिए मैं इसको रिटर्न ही लगाऊँगा दोस्तों। ये क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, हल्की है, बिल्कुल हल्का शूज़ है। देखने में तो ये शूज़ दोस्तों ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मैं इसे रिटर्न नहीं कराऊंगा दोस्तों। आप देख सकते हो पहले ऐसा शूज़ था दोस्तों, इसे रिटर्न लगाना इतना सिंपल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमने जो आइटम मंगाया था वो डिफरेंट आ गया है, उसको हम रिटर्न लगाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ हम किस प्रकार से रिटर्न लगा सकते हैं। इसके लिए जिस पेटीएम से हमने ऑर्डर किया था उसको खोलना होगा, और इसके बाद हमें माई प्रोफाइल पर जाना होगा। माई प्रोफाइल पर जाके हेल्प 24x7 करना होगा, और इसके बाद हमें जो हमने ऑर्डर किया था वो चूज़ करना होगा। और हम ऑर्डर चूज़ करने के बाद हमें उस ऑर्डर में डायरेक्ट हेल्प को करना होगा, हेल्प को करने के बाद हमें उसको रिटर्न लगा देना होगा और टेज पैक कर देनी है। दोस्तों हमने ऑर्डर को रिटर्न लगा दिया है, अब हम देखते हैं कितने दिनों के बाद रिटर्न होता है।
दोस्तों टोटली 7 से 8 दिन में हमने शूज़ को रिटर्न कर दिया था, और रिटर्न होने के बाद हम पेटीएम मॉल को खोलते हैं और माई प्रोफाइल पे जाते हैं और माई प्रोफाइल पे माई ऑर्डर पे जाते हैं, और ये आप देख सकते हो 7 से 8 घंटे में हमारे रिटर्न हो गए हैं और हमारे पेटीएम बैलेंस भी वापस आ गया है। दोस्तों इस प्रकार के क्रिएटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।